दोस्तों अजब गजब में आज आपको ऐसे मंदिर की कहानी सुनाएंगे जिसे बनाने में एक साथ 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि 3,000 हाथियों ने काम किया था। नमस्कार, अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। भारत को मंदिरों और तीर्थ स्थानों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग हर इलाके में आपको कोई ना कोई किसी न किसी देवता का मंदिर मिल जाएगा। इसकी वजह यह है कि भारत में लोग भगवान को मानते हैं, उनके लिए विशाल से विशाल मंदिर बनवाने में जरा भी नहीं हिचकते। ये कोई आज की बात नहीं है बल्कि ऐसा सदियों से चला रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ था सदियों पहले तमिलनाडु के तंजौर में। तंजौर में एक ऐसा मंदिर है जो अपने वास्तु और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजौर में होने की वजह से इसे तंजौर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पहले चोल शासक राजराज चोल ने 1003 से 1010 ईस्वी के बीच कराया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाने लगा। कहते हैं इस मंदिर को बनाने के लिए उन्हें एक सपना आया था। उस दौरान वो श्रीलंका की यात्रा पर थे। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 13 मंजिला ऊंचा है जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। वैसे आमतौर पर बिना नींव के ना तो कोई मकान बनता है ना ही कोई इमारत। किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको उसकी नींव रखनी जरूरी है। लेकिन आप जानते हैं इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ये मंदिर हजारों सालों से बिना किसी नींव के ऊपर खड़ा है। ये एक रहस्य है कि बिना नींव के ये इतने सालों से कैसे टिका है। मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया है। दुनिया में ये पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे ग्रेनाइट से बनाया गया हो। इसके निर्माण में करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। इन पत्थरों को अलग अलग जगह से लाने के लिए 3,000 हाथियों की मदद ली गई थी। आप कह सकते हैं ये पहला ऐसा मंदिर है जिसे बनवाने में हाथियों ने भी अपना श्रमदान किया। ये मंदिर अपनी भव्यता, वास्तु शिल्प और गुंबद की वजह से पूरी दुनिया में खासी पहचान रखता है। मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। आपको इस मंदिर की एक और खासियत बताते हैं। इसके शिखर पर एक सोने का कलश है और ये कलश जिस पत्थर पे टिका है उसका वजन करीब 80 टन बताया जाता है जो एक ही पत्थर से बना है। अब इतने वजनदार पत्थर को मंदिर के शिखर पर कैसे ले जाया गया ये अपने आप में रहस्य की बात है, क्योंकि उस समय ना तो कोई क्रेन हुआ करती थी ना ही कोई ऐसी मशीन जो इतनी भारी भरकम चीजों को उठा सके। कहते हैं कि इस गुंबद की परछाई धरती पर नहीं पड़ती, लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी। हर मंदिर अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे रखता है, लेकिन तंजौर का ये मंदिर बाकी मंदिरों से काफी अलग है। आपको इस मंदिर का ये रहस्य कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।